नमस्कार मित्रों, होली के इस पवित्र और पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इन शब्दों के साथ कि होली खेलो प्रीत से, हिलमिल डालो रंग और हो जाओ मदमस्त जो नशा चढ़ाती भंग। और विशेष रूप से इस समय देश में एक परिस्थिति चल रही है, जीन्स को लेकर जबरदस्त एक विवाद चल रहा है। कुछ महिलाएं अड़ी हुई हैं कि हम तो ऐसे कपड़े पहनेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि मेला यह दो घड़ी का, बड़े खुशी सर्वत्र और घटती रहे उदासियां जो मलिका के वस्त्र। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। हम चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति का ये पवित्र और पावन पर्व होली अपने रंगों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसकी रंगों की ये खुशबू है, रंगों का ये एहसास है, रंगों का ये अपनापन है, ये बना रहे। आज हमारे इस काव्य साधक स्टूडियो में हमारी कुछ बहनें और मेरे परम मित्र भाई संजय शुक्ला जी, जो कि देश के जाने माने ओज वीरस के कवि हैं, लेकिन आजकल ये गजलों में जबरदस्त अपना हाथ आजमा रहे हैं। मैं देखता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन इनकी एक शानदार गजल भी होती है। तो हम चाहेंगे होली के इस रंग में हमारे इन मित्रों के साथ कुछ अच्छे से हम शब्दों से होली खेलें, और सभी हमारे काव्य साधक परिवार के जो मित्र देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको होली की शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि संजय भाई आज हमारे इस स्टूडियो में आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संजय भाई कि थे भला पधारे, आज आंगने मारे में प्रेम प्रसून चढ़ावा चरण में तारे। आप सबको होली की शुभकामनाएं, और इस कार्यक्रम का संचालन संजय शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि गुलाबी नगरी के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको मालूम है, होली रंगों का त्यौहार है, और तन मन में जब मस्ती जब छाती है, जब खेतों के अंदर कहीं सरसों लहराती है, कहीं खेतों में हरे भरे खेत लहराते हैं, तब कहीं लगता है कि वाकई में मन मस्ती का मन हो गया है। और इस ऐसे समय में जब मन में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, तो कहीं ना कहीं वो मन का आनंद रंगों में से होकर के एक दूसरे के मनों पे जाता है, तब कहीं ये होली का त्यौहार होता है। चेहरों पे लगे हुए रंग हमें ये इस बात से भुला देते हैं कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन है, किस तरह के ऊंच बी नीच के सारे भेदभाव मिटा करके होली हम सबको आपस में गले मिला देती है। माना कि इस बार की पिछले विगत वर्ष से हमारे देश में संपूर्ण विश्व के अंदर एक महामारी का दौर चल रहा है, उसके मद्देनजर भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आज बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग एक दूसरे से फूलों की होली, इत्र की होली, गुलाल की होली होती है, तब मैं कहीं ये कहता हूँ कि लाल हरा नीला व पीला, लाल हरा नीला व पीला, तन वासंती मन हो गीला, तन मन में जब मस्ती छाए, मन काबू में ना रह जाए, सजी हुए हो रंगों की होली, तब समझो आई है होली, तब समझो आई है होली। तो होली का पावन पर आज मेरे साथ में देश की जानी मानी दो कवित्रियाँ मेरे साथ में, और जैसा कि आप जानते हैं कि जयपुर का जिन्होंने पूरे नाम रोशन कर रखा है, भाई किशोर पारिक जी के आज मैं साथ में हूँ। तो मैं आप सभी सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे बीच में प्रशंसा जी हैं, तो प्रशंसा जी से मैं आग्रह करूँगा कि आज चार शब्दों से कि कुसुम की कंटकों के बीच में खिलती जवानी है, डगर की धूल ही प्रत्येक राही की निशानी है, युगों से कह रही धरती, युगों से सुन रहा अंबर, इनकी जिंदगी ही एक कविता की निशानी है। तो मैं कविता से इन्हें जोड़ना चाहता हूँ कि कविता शब्दों का जाल नहीं है, शब्दों का जंजाल नहीं, ये मन का कोई मलाल नहीं, ये शब्दों का कंकाल नहीं, कविता तो कविता होती है, मन की सैया पर सोती है, मन में उठे विचारों को मोती की भांति पिरोती है, इसमें प्रकाश की ज्योति है, ये बीज नए नद बोती है, और बात चले झोपड़ियों की, ये शीर्षक शीर्षक कर रोती है। प्रशंसा जी को इन चार पंक्तियों से मैं आमंत्रित करता हूँ। प्रशंसा जी आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगी। सहज सिंगार का दरिया जहाँ से चल के आया है, हृदय में रंग मेहंदी का जरा सा ढल के आया है, कभी नीले कभी पीले सभी अबीर उड़ते हैं, कभी नीले कभी पीले सभी अबीर उड़ते हैं, होली के रंग ये सारे खुशी संग प्यार लाया है, होली के रंग ये सारे खुशी संग प्यार लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक होली की कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत स्वागत। कि ब्रज में होली कैसे खेली जाती है, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। आयो होली रो त्योहार ब्रज की होली खेलेंगे, आयो होली रो त्योहार ब्रज की होली खेलेंगे,
दोस्तों की टोली होए सखी और सहेली होए, दोस्तों की टोली होए सखी और सहेली होए, छाए हो छाए रंगों की बौछार, ब्रज की होली खेलेंगे, छाए रंगों की बौछार, ब्रज की होली खेलेंगे, नंदगांव में भंग बरसाने में रंग, नंदगांव में भंग बरसाने में रंग, नंदगांव में भंग बरसाने में रंग, की गोपी संग नाचे गोविंद, ब्रज की होली खेलेंगे, की गोपी संग नाचे गोविंद, ब्रज की होली खेलेंगे, भर पिचकारी होए शाम की प्यारी होए, भर पिचकारी होए शाम की प्यारी हो, भर पिचकारी होए शाम की प्यारी हो, की तबला संग माजे मृदंग, ब्रज की होली खेलेंगे, की तबला संग बाजे मृदंग, ब्रज की होली खेलेंगे, आयो होली रो त्योहार, ब्रज की होली खेलेंगे, ग्वाल बाल संग उड़त सातो रंग, ग्वाल बाल संग उड़त सातो रंग, ग्वाल बाल संग उड़त सातो रंग, की गुजिया पपड़ी और पकवान, ब्रज की होली खेलेंगे, की गुजिया पपड़ी और पकवान, ब्रज की होली खेलेंगे, आयो होली रो त्योहार, ब्रज की होली खेलेंगे। अंत में होली कैसी होनी चाहिए? झूम झूम नाचे है पायलिया बाजे है, झूम झूम नाचे है पायलिया बाजे है, भूले बैर भाव के रंग, तन संग रंग जाए सब मन, की ब्रज की होली खेलेंगे, आयो होली रो त्योहार, ब्रज की होली खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। अभी देखिए आप लोग सीधा ब्रज की भूमि में पहुंच गए, जहाँ की कन्हैया के संग में जब राधा होली खेलती है, उसी तरह से ऐसा लगा कि वाकई में ब्रज के पकवानों से हमको सब बुलाते हुए प्रशंसा जी ने पूरी होली के रंगों में हमें रख दिया। वाकई में काबिले तारीफ आपने काव्य पाठ के लिया, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। और लीजिए, अब मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूँ, रंजीत श्री वेदी जी को मैं बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपने काव्य पाठ से इस होली के त्योहार के रंग रंग कार्यक्रम को। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको एक गीत पेश करती हूँ होली का। करूं श्रृंगार जब जब मैं तो लगता है कि होली है, करूं श्रृंगार जब जब मैं तो लगता है कि होली है, मेरे साजन निहारे जब तो लगता है कि होली है, मेरे साजन निहारे जब तो लगता है कि होली है, चूड़ी मेरी खन के पायल छन के, चूड़ी मेरी खन के पायल छन के, पिया जब आए मेरे बन थन के, पिया जब आए मेरे बन थन के, हया का आहा हया का जब चढ़े रंग लाल तो लगता है कि होली है, हया का जब चढ़े रंग लाल तो लगता है कि होली है, किरणें सुनहरी मुखड़े पे पड़ती, किरणें सुनहरी मुखड़े पे पड़ती, सैया जी की नजरे मुझ पे ही गड़ती, सैया जी की नजरे मुझ पे ही गड़ती, भिगोए तन आहा भिगोए तन सतरंगी फुहार तो लगता है कि होली है, भिगोए तन सतरंगी फुहार तो लगता है कि होली है, तन भीगा मन भीगा मेरा, तन भीगा मन भीगा मेरा, घर पे लगाया जब पिया जी ने फेरा, तन भीगा मन भीगा मेरा, घर पे लगाया जब पिया जी ने फेरा, सजे जब हर रंग से घर बार तो लगता है कि होली है,
सजे जब हर रंग से घर बार तो लगता है कि होली है। कच्चे रंगों की फीकी होली, कच्चे रंगों की फीकी होली, आ गई रंग ने बैरन टोली, आ गई रंग ने बैरन टोली, रंगू मैं आहा रंगू मैं प्यार में दिन रात तो लगता है कि होली है। रंगू मैं प्यार में दिन रात तो लगता है कि होली है, होली है। शुक्रिया। बहुत 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार गीत के माध्यम से आपने होली के रंगों को बताया और उन्होंने बता भी दिया कि वाकई में पिया को उनको किस नज़र से देखते हैं। वाह, मुझे तो इतना सा याद आता है कि होली के लिए कहा गया है कि जब चेहरे पर जब लगा हो रंग, तन मन में हो जब उठी उमंग, चेहरे गाँव गली में बसते तंग, तब होती है सही उमंग। तो इस तरह की जब होली का पर्व आता है तो विभिन्न रंगों के साथ में, रंगों के साथ होली का त्यौहार बनता है। अब मैं मेरे मित्र बड़े भाई किशोर पारीक जी से आग्रह करूंगा कि वो भी होली के से अपने आप को। संजय भाई आज हम आप सबको सुनना चाह रहे हैं स्टूडियो में अपने, हम तो यहाँ गाते चलते रहते हैं। फिर भी होली के पवित्र और पावन पर्व पर मैं मेरे सभी मित्रों को, शुभचिंतकों को, देशवासियों को, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत लंबी श्रृंखला है, मैं एक दो और मुक्तक से अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि सारी नफरतें चमन से दूर हो जाए। संजय भाई, सही बात है। सारी नफरतें चमन से दूर हो जाए, प्यार के नशे में हर एक चूर हो जाए, और तीन रंग में ऐसा रंगे मेरा भारत कि इसकी एकता फिर से मशहूर हो जाए। वाह 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 वाह, एकता फिर से मशहूर हो जाए और मिट जाते हैं। और होली क्या होती है, देखिए, मिट जाते हैं तन मन के डिस्टेंस होली में, मिट जाते हैं तन मन के डिस्टेंस होली में, और खिल जाते हैं फूल सरी के फेस होली में, मचल कर कर रहे हैं बूढ़े भी देखो ऐश होली में, और कन्हैया भेजता राधा को अब SMS होली में, कन्हैया भेजता राधा को अब SMS होली में। और अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ, अंतिम मुक्तक पढ़ रहा हूँ कि तन मन पर छोड़े पिचकारी वृंदावन सा धाम दिखे, तन मन पर छोड़े पिचकारी वृंदावन सा धाम दिखे, फागुन की मस्ती में हमको राधा संग घनश्याम दिखे, और मंदिर मस्जिद चर्च झूम कर आपस में जब गले मिले तो तीन रंग में रंगा हुआ सा पूरा हिंदुस्तान दिखे। क्या बात है, तीन रंग में रंगा हुआ सा पूरा हिंदुस्तान दिखे। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं ये कहता हुआ और इन पंक्तियों के साथ संजय भाई को आमंत्रित कर रहा हूँ आज की हमारी इस काव्य गोष्ठी, कह लो होली की सतरंगी जो शब्दों की पिचकारियाँ हम लोगों ने चलाई हैं, उसमें सबसे बढ़िया रंग संजय भाई का होगा, क्योंकि ये प्यार और प्रीत के गीत लिखते हैं लेकिन देश के नाम लिखते हैं, देशभक्ति में और ओज और वीर रस की कविताओं में पूरे देश में एक बड़ा नाम जाना जाता है, वो है हमारे चंबल की धरती, कोटा की धरती से भाई संजय शुक्ला। और इन पंक्तियों के साथ कि देशवासियों में एकता की लय हो, दुश्मनों में खोफ हो भय हो, फिर से बने विश्व गुरु भारत ये तय हो, और जननी जन्मभूमि माँ भारती तेरी जय हो, माँ भारती। संजय शुक्ला जी, नागरिक बंदियों को मेरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और संपूर्ण भारतवर्ष इस बार होली जिस तरह भी मनाएगा वो उसके लिए डर और भय को त्याग करके, और इस कोरोना जंग से हमने जो लड़ाई लड़ी है जी, उससे हमें उत्कर्ष निकलते हुए हम होली का पर्व मनाते हैं। पर यह होली के त्यौहार पूरे देश के अंदर जो त्यौहार उमंग और ये होता है, ये कब होता है, हमारे घरों के अंदर तिथि त्यौहार जब मनते हैं जब हमारी सरहदें सुरक्षित होती हैं, क्योंकि हमारे आज हम यहाँ पर जब डटे हुए हैं जिस तरह कोरोना वायरस ने लोगों के बीच में जाकर के काम किया इस महामारी से लड़ने में, ठीक उसी प्रकार हमारी देश की सरहदों पर हमारे 18 साल से 24 साल का एक नौजवान रात के अंधेरे में जब खड़ा रहता है जहाँ परिंदा पर नहीं मारता है, तब कहीं जाकर के हमारी सरहदें सुरक्षित होती हैं। तब मैं चार पंक्तियाँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ और मैं उन्हें समर्पित करता हूँ कि आपके कारण ही हमारे त्यौहार सुरक्षित हैं। कि बांध कफन घर से ही निकले झांकी देने कुर्बानी, बांध कफन घर से ही निकले झांकी देने कुर्बानी,
मर गए मिट गए देश की खातिर हार कभी भी ना मानी, इतिहास के पन्नों ने तो लिखी यारो यही कहानी। अरे जब भी सर मांगे सरहद ने आगे आए हिंदुस्तानी, जब भी सर मांगे सरहद ने आगे आए हिंदुस्तानी। जो सरहद पर खड़ा हुआ है उसका कद तो बहुत बड़ा है, जो सरहद पर खड़ा हुआ है उसका कद तो बहुत बड़ा है। वो नीव में दफन हुआ तब हिंदुस्तान हुआ खड़ा है। सर्दी गर्मी वर्षा से वो नहीं कभी भी घबराते हैं, दुर्गम घाटी दर्रों पर वो एक पल में ही चढ़ जाते हैं। अरे हिमखंडों को माँ का आंचल समझ के वो तो सो जाते हैं, और 9 दिन बर्फ में रह करके भी जिंदा वो तो हो जाते हैं। जिंदाबाद। तब मैं कहीं लिखता हूँ नहीं की कोशा हूँ कि भरत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी थाती है, भरत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी थाती है। 1 इंच भूमि मत देना माँ बेटे को सिखलाती है, सूर सिवा राणा जन्मे ये वो बलिदानी माटी है। और चंदन सी जो महक रखे वो माटी हल्दी घाटी है, चंदन सी जो महक रखे वो माटी हल्दी घाटी है। जहाँ घास भी जिंदा रखे राणा का तो स्वाभिमान, जहाँ घास भी जिंदा रखे राणा का तो स्वाभिमान। स्वामी भक्त में पन्ना धाए चंदन का दे दे बलिदान, शीश काट दे हाड़ी रानी जौहर गाथा बड़ी महान। अरे वो मिट्टी कोई और नहीं है, वो मिट्टी है राजस्थान, वो मिट्टी कोई और नहीं है, वो मिट्टी है राजस्थान। तो इस तरह की मेरी कविताएं हैं देशभक्ति की, और आज के लिए मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं ये कहता हूँ कि वाकई में देखिए अभी 23 मार्च गया है, इस देश को आजादी कैसे मिली होगी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि आजादी क्या है, कि मोल क्या समझेगा वो जिसने चुकाया ही नहीं, दर्द जाने वो भला क्या जिसने उठाया ही नहीं। आजादी कितनी महंगी है वो क्या जाने भला, खून इसकी चाह में जिसने बहाया ही नहीं। कितने सर सूली चढ़े यहाँ, कितने सर सूली चढ़े यहाँ, कितनों ने दी थी कुर्बानी, कितने ही प्यास लिए मर गए पर मिला नहीं उनको पानी। कितने सर से सिंदूर मिटे, कितनों की राखी टूट गई, बूढ़े हाथों की लाठी थी जो भरी जवानी रूठ गई। कितनी ही शेष शक्ति थी, कितनों की रातें थी कारी, कितने आंगन सूने रह गए न गूंजी उनमें किलकारी। सब कुछ दांवों पर लगा दिया जब बची न कोई पाई थी, तब ये आजादी आई थी, तब ये आजादी आई थी। आजादी की थाम मसाले चले कई दीवाने थे, लाल बालुआ पाल सरीखे बिस्मिल से परवाने थे, भारत माँ की तस्वीर बस आंखों में तो रहती थी। आजादी कब आएगी हर सांस यही बस कहती थी, अरे हिंदू मुस्लिम सिखों ने और मिलकर लड़ी लड़ाई थी, तब ये आजादी आई थी, तब ये आजादी आई थी। आजादी का ख्वाब लिए सर कफन बांध घर से निकले, करीब बगावत अंग्रेजों से ओठ अपने नहीं सिले, अंग्रेजों की संगी ने भी उनको रोक नहीं पाई। भारत माता की जय बोली गोली सीने पर खाई, आजादी हम लेकर रहेंगे अब हमने ललकारा है। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये हिंदुस्तान हमारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये हिंदुस्तान हमारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो हिंदुस्तान हमारा है। और ये एक सार्थक होली, मैं ये मानता हूँ कि जब तक हम लोगों के दिलों में जज्बात के रंग नहीं हो, देश के प्रति वो सद्भाव नहीं हो, देश के प्रति वो जागरूकता नहीं हो, और ऐसे समय में होली के समय हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर एकता का एक सूत्र ऐसा बांधे कि वापस हमारा ये देश सतरंगी जो इसकी फिजा रही है, ईद त्यौहार सब हम लोग मिलकर मनाते हैं, वो वापस एक बार वो फिजा लौटे, यही कामना, यही शुभकामना होली के बहुत पावन पर्व पर पुनः एक बार आप सबको शुभकामना देते हुए जयपुर काव्य सागर परिवार का ये छोटा सा प्रयास। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर संतोष कुमार चारण सारथी इस मस्ती की, इस उमंग की, इस तरंग की काव्य गोष्ठी के अंदर, जो कि है होली स्पेशल। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे विशेष परिधानों में सजे हुए मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, जो आपको जो है विभिन्न रसों से जो है, चाहे वो श्रृंगार का रस हो, चाहे वो हास्य का रस हो, चाहे वो व्यंग का रस हो, आपको जो है तरोताजा कर देंगे। और मेरा वादा है कि इस काव्य गोष्ठी के बाद में आप अपने आप को इतना ऐसा ही फील करेंगे कि होली के तमाम रंगों में आप रंग जाएंगे। तब सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं हमारे व्यंग और हास्य के बहुत ही अच्छे कलाकार, जो कि काव्य जगत के अंदर ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। मेरा आशय है भाई राजेश खंडेलवाल रजवा जी से, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई राजेश खंडेलवाल रजवा जी का। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप सबको प्रणाम करता हूँ, बैठे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कवि हो गए, चरणों में प्रणाम करता हूँ और होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले श्रद्धा सुमन माँ शारदे के चरणों में अर्पित करता हूँ। एक हास्य कवि माँ शारदे की वंदना कैसे लिखता है देखिएगा, क्योंकि मुझे तो शाम को घर भी जाना है, तो सब कुछ सोच समझ के लिखना पड़ता है। आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है। प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में,
जिनकी कृपा से मिला यश और नाम है। क्या बात है, वाह। प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, वाह। जिनकी कृपा से मिला यश और नाम है, आहा। दूसरा प्रणाम करूं गुरु जी के चरणों में, उंगली पकड़ मुझे दिखाया मुकाम है। प्रणाम करता हूं आदरणीय दादा किशोर पारिक जी को, आदरणीय दादा वरुण चतुर्वेदी जी को, वाह, जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे मुकाम दिखाया। दूसरा प्रणाम करूं गुरु जी के चरणों में, उंगली पकड़ मुझे दिखाया मुकाम है। तीसरा प्रणाम करूं माता और पिताजी को, यही मेरे इष्ट माता सीता प्रभु राम है। और आखिरी प्रणाम करूं जीवन संगिनी को मैं, खुश हो रहे तो घर में ही तारो धाम है। क्या बात है, और आखिरी प्रणाम करूं जीवन संगिनी को मैं, खुश हो रहे तो घर में ही तारो धाम है। होली खेलते समय आपको क्या सावधानी अपनानी चाहिए वो बता रहा हूँ कि होली खेलते समय सावधानी अपनाइए और पड़ोसन के चेहरे पे रंग लगाने से पहले अपने चेहरे पे लगाइए। पड़ोसन के चेहरे पे रंग लगाने से पहले अपने चेहरे पे लगाइए, इसलिए बता रहा हूँ ये उपाय, ताकि पत्नी को बहम भी हो तो पहचान नहीं पाए। इसलिए बता रहा हूँ ये उपाय ताकि पत्नी को बहम भी हो तो पहचान नहीं पाए, क्योंकि पत्नी पहचान गई तो आपा खो देगी। पत्नी पहचान गई तो आपा खो देगी, और बिना साबुन के बिना शैम्पू के आपको अच्छी तरह धो देगी। चार लाइन और देखिए कि होली खेलते समय सावधानी अपनाइए। चार लाइन और देखिए कि रिश्तों में हल्की सी जंग जरूरी है, मजाक में साली का संग जरूरी है, और रंगों के त्योहार में हर रंग हो मगर होली के हुड़दंग में भंग जरूरी है। होली के हुड़दंग में भंग जरूरी है। अब क्या पूत के पांव पालने में दिखाते हैं, तो राहुल गांधी जी जब छोटे थे तो उनको कैसे कैसे सपने आते कि राहुल गांधी अपनी माँ से बोला, रात के सपने का राज यूं खोला, माँ मेरी एक टांग जमी पे दूजी थी आसमान, ऐसा लग रहा था मानो नाप लिया वो जहान, ऐसा लग रहा था मानो नाप लिया वो जहान। माँ बोली कम्बक ना देखा कर ऐसे सपने जो बस में ना हो अपने, और तू तो ऐसे कह रहा है जैसे आसमान में झंडे गाड़ेगा, अरे नालायक तेरे पास एक ही तो कच्चा है क्या उसे भी फाड़ेगा, अरे नालायक तेरे पास एक ही तो कच्चा है क्या उसे भी फाड़ेगा। आज मैं जब घर से आ रहा था तो पत्नी बोली अजी ये कुत्ता पाल लेते हैं, मैंने कहा भाई तुझे कुत्ता पालने की क्या जरूरत, बोलो जब तुम कवि सम्मेलन में चले जाते हो कोई तो चाहिए दुम मिलाने वाला। एक आशी का मजा लीजिएगा, आशीर्वाद चाहूंगा। क्या बात है, दुम मिलाने के लिए। पत्नी को कुत्ता पालने का शौक थर्राया, तो मैं बाजार जाकर एक कुत्ता खरीद लाया। देख कर पत्नी फूली नहीं समाई, फिर मुझसे एक चैन और एक छड़ी और मंगवाई। फिर मुझसे एक चैन और एक छड़ी और मंगवाई। एक दिन छड़ी दिखाकर कुत्ते को उठना बैठना सिखा रही थी, अपने तेवर दिखा रही थी, पर लाख कोशिश के बाद भी कुत्ता नहीं सीखा, तो मैं पत्नी पर धीरे से चीखा, क्योंकि पत्नी के सामने तेज आवाज निकालने की हिम्मत किसकी। सही बात, तो मैं पत्नी पर धीरे से चीखा, मैंने कहा भाग्यवान बार बार क्यों छड़ी दिखा रही हो, ये नहीं सीख पाएगा जो तुम धर रही हो। जवाब देखिएगा पत्नी का, भाग्यवान बार बार क्यों छड़ी दिखा रही हो, ये नहीं सीख पाएगा क्यों जुल्म ढा रही हो। पत्नी बोली शुरू शुरू में तुम भी कहां सीख पाए थे, अरे बेलन और चिमटा दिखाया तब लाइन पे आए थे, बेलन और चिमटा दिखाया तब लाइन पे आए थे। एक बार मैं सब बाजार जा रहा था, रास्ते में एक दोस्त मिल गया अपनी पत्नी के साथ, मुझसे बोला, बोले यार रजुआ, मैंने उससे पूछा मैंने भाई कहां जा रहा है, बोले यार डॉक्टर को, पत्नी को डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। क्यों क्या बात हुई, बोले यार पत्नी कमजोर है, तो तू कभी है तेरे पास कोई इलाज हो तो तू बता। तो मैं इसको साइड में लेके गया, मैंने अब बोल, बोले यार पत्नी कमजोर है, डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। मैंने कहा मुसीबत जितनी कमजोर उतनी अच्छी। मुसीबत जितनी कमजोर उतनी अच्छी। और अगर पत्नी कमजोर है तो खाना कम खाएगी। मैंने क्या क्या फायदे बताए उसको, कि पत्नी कमजोर है तो खाना कम खाएगी, और बस और ट्रेन में खिड़की से ही चढ़ा दी जाएगी। बस और ट्रेन में खिड़की से चढ़ा दी जाएगी, और अगर तेज तूफान में पत्नी बदलने की नौबत आई तो सबसे पहले बारी तेरी आएगी, तो सबसे पहले बारी तेरी आएगी। धन्यवाद। तो ये थे भाई राजेश, भाई राजेश खंडेलवाल रजवा जी, जिन्होंने अपनी मस्ती और अपनी उमंग के साथ होली को जोड़ते हुए पत्नियों के ऊपर कविताएं सुनाई। मुझे एक किस्सा याद आया, एक
कवि एक शादी समारोह में, जो मेरे मित्र की शादी समारोह था, उसके अंदर मैं गया और मैंने देखा कि पत्नी थोड़ी सी मोटी थी और वो महाशय थोड़े से पतले थे। तो मैंने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए उनसे ये कहा, देखो भाई, पति और पत्नी ये होते हैं साइकिल के दो पहिए और इन्हें जीवन रूपी गाड़ी सुचारू रूप से चलानी चाहिए। इसके ऊपर वो मित्र बोला कि ये तो ठीक है संतोष जी के पति और पत्नी होते हैं गाड़ी के दो पहिए और इन्हें जीवन रूपी गाड़ी सुचारू रूप से चलानी चाहिए, पर कोई सी भी वो गाड़ी बैलेंस बिगड़ ही जाएगा अगर उसमें एक चक्का साइकिल का और दूसरा स्कूटर का लगाएगा। तो कई बार जो है आपको सुझाव नहीं देने चाहिए, जो भी स्थिति हो उसके अनुसार चलने चाहिए। पत्नियों के ऊपर ये सुंदर कविताएं थी भाई राजेश जी की। और अब जब प्रेम की बात आती है, जब श्रृंगार की बात आती है और जब सुंदर और नाजुक ख्यालों की बात आती है, तो जो शायरा और जो कवित्री हमारे जहन में आती है वो है मधुबनी बिहार से आदरणीय उषा मैडम, उषा दास मैडम। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उषा दास मैडम का। नया मौसम नई खुशियां नए जज्बात होली में, नया मौसम नई खुशियां नए जज्बात होली में, ये चाहूंगी मिले तुझसे नई सौगात होली में। कुवारों को है मेरी राय कर ले वो सभी शादी, कुवारों को है मेरी राय वो कर ले सभी शादी, उन्हें फिर सालियां बतलाएंगी औकात होली में। अरे अरे वाह क्या बात है, सालियां क्या बात है मैडम, वाह वाह, औकात होली में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक गीत सौंपती हूँ जी, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। एक प्रतिगीत है और परोडीकार बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो उसमें भी सुनाते हैं। स्वागत है। सवरिया बतला दे कैसा प्यार तुम्हारा, मजाक कर रहे थे पत्नी पे, सुनिएगा सभी पत्नियों की तरफ से। अच्छा। सवरिया बतला दे कैसा प्यार तुम्हारा, सजनवा समझा दे कैसा जादू डाला, सजनवा समझा दे कैसा जादू डाला। और बन सुनिएगा जी। तुझसे पहले इस जीवन में था गहरा अंधियारा, तुझसे पहले इस जीवन में था गहरा अंधियारा, मन परी थी प्रणय लाल सा नैन सपन सब हारा, मन परी थी प्रणय लाल सा मन था हारा हारा, सम्मोहन बरसा के तुमने मुझे सवारा, सवरिया बतला दे अच्छा है मैडम, कैसा अच्छा। प्यार तुम्हारा सजनवा समझा दे कैसा प्यार तुम्हारा। अभी चिड़िया अनजान क्षितिज से आंगन में ही गूंजे, वाह वाह, चिड़िया अनजान क्षितिज से आंगन में ही गूंजे, तुमने पंख दिए संभल के भरी उड़ाने ऊंचे, वाह, सपनी ली आंखों से सुंदर लगे नजारा, सजनवा समझा दे कैसा प्यार तुम्हारा, सजनवा बतला दे कैसा जादू डारा। वाह वाह, अंतिम बन सुनिएगा जी। गुल से अब गुलनार हो गई, वाह, रूप नगर की रानी, वाह वाह वाह, गुल से अब गुलनार हो गई रूप नगर की रानी, जीवन से लबरेज अलौकिक रचती नई कहानी, जीवन से लबरेज अलौकिक रचती नई कहानी, शक्ति रूप अनुपम छवि तुमने हृदय उतारा, सजनवा दे कैसा प्यार तुम्हारा, सजनवा समझा दे कैसा जादू डाल।
बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत अच्छा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उषा दास मैडम की जो काव्य रचनाएं थी उनका भरपूर आनंद लिया होगा। ये देखिए, ये मस्ती का हमारे यहाँ पर, ये खुशियों का एक ऐसा समा बांध रहे हैं और एक से बढ़कर एक कवि हमारे बीच में आ रहे हैं। और अब अगली जो जो शख्सियत है जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ वो मल्टी टैलेंटेड हैं। मैं उनको शायर भी कह सकता हूँ, कवि भी कह सकता हूँ, गीतकार भी कह सकता हूँ, अभिनेता भी कह सकता हूँ। कुल मिला के वो हमारे इस फंक्शन के अंदर स्पेशल गेस्ट हैं। पूरी तालियों के साथ स्वागत कीजिए भाई विजय मिश्र दानिश साहब का। दानिश साहब, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार मित्रों, भाई किशोर से मिलने आए थे, रोजे करने गए, नवाज घरे पड़ गई। रोजे करने गए। खैर बहरहाल, एक दोहे से शुरू करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि कदमों में दौलत पड़ी उस पर खड़ा फकीर। कदमों में दौलत पड़ी उस पर खड़ा फकीर, शायद उसने आज तक बेचा नहीं जमीर। शायद उसने आज तक बेचा नहीं जमीर, और खुशियों के बाजार में गम की लगी दुकान। वाह। खुशियों के बाजार में गम की लगी दुकान, दो आंसू में मिल गए झूठे कई मकान। वाह वाह। दो आंसू में मिल गए झूठे कई मकान। वाह। होली की बात चल रही है, एक गजल के चंद शेर देखिए। बिल्कुल। ये किया वादा कभी मुझसे किया इनकार होली में। किया वादा कभी मुझसे किया इनकार होली में। वाह। खुदा उसको सलामत रख बना था यार होली में। आहा, वाह। खुदा उसको सलामत रख बना था यार होली में। और जमाने को पता सब है, जमाना है बड़ा जालिम। वाह। जमाने को पता सब है, जमाना है बड़ा जालिम। वाह। हुई साजिश मोहब्बत में किया सेवकार होली में। वाह वाह वाह। हुई साजिश मोहब्बत में किया सेवकार होली में। वाह। और जिसे बिछड़े हुए बरसों नहीं उम्मीद थी बाकी। वाह। जिसे बिछड़े हुए बरसों नहीं उम्मीद थी बाकी, अचानक मिल गया मुझसे गुजिश्ता प्यार होली। आहा, वाह वाह। अचानक मिल गया मुझसे गुजिश्ता प्यार होली में। बहुत अच्छी गजल। और घरों की देख दीवारें बहुत तकलीफ होती है। घरों की देख दीवारें बहुत तकलीफ होती थी। करिश्मा था खुदा का या मिला अधिकार होली में। करिश्मा था खुदा का या मिला अधिकार होली में। और बुझाने से नहीं बुझता, जलाने से नहीं जलता। बुझाने से नहीं बुझता जलाने से नहीं जलता। इबादत का दिया लेकिन जला हर बार होली में। बुझाने से नहीं बुझता, जलाने से नहीं जलता। इबादत का दिया लेकिन जला हर बार होली में। और मुझी पर जान देता था, खुदा मुझको समझता था वो। मिले जब चंद सिक्के तो हुआ गद्दार होली। वाह 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 वाह। मुझी पर जान देता था, खुदा मुझको समझता वो। मिले जब चंद सिक्के तो हुआ गद्दार होली में। वाह। और गजल भी गैर की पढ़ता, लिखाता शेर गैरों से। गजल भी गैर की पढ़ता, लिखाता शेर गैरों से। भला कब तक बचाता मैं हुआ अखबार होली में। भला कब तक बचाता मैं हुआ अखबार होली में। और जुदा होकर जुदा होना कहाँ मुमकिन हुआ यारा। वाह। जुदा होकर जुदा होना कहाँ मुमकिन हुआ यारा। मिलन तो हो नहीं पाया हुआ दीदार होली में। पर ये भी कम नहीं है। जी। बहुत है। जुदा होकर जुदा होना कहाँ मुमकिन हुआ यारा। मिलन तो हो नहीं पाया हुआ दीदार होली में। पर मुसाफिर का ठिकाना क्या सफर में जिंदगी जिसकी। वाह। मुसाफिर का ठिकाना क्या सफर में जिंदगी जिसकी। नहीं रोके कदम जिसने हुआ लाचार होली में। वाह, बहुत अच्छा जी। लोग लड़खड़ाहट की बात। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं रोके कदम जिसने हुआ लाचार होली में। और गजल का मकता है कि मुझे दानिश समझते हैं, गजल का गह नहीं आता। अरे मुझे दानिश समझते हैं, गजल का गह नहीं आता। गजल का गह नहीं आता। वाह वाह। बहर क्या चीज होती है, हुई तकरार होली में। आहा। हुई तकरार होली में। और किया वादा कभी मुझसे किया इनकार होली में। खुदा उसको सलामत रख बना था यार होली में। क्या बात है। शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा।
तो कविता का क भी आता है जिन्हें, गजल का ग भी आता है, पर मन से इतने सरल और सहज हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे गजल का ग भी नहीं आता। मुझे मेरा एक मुक्तक याद आया कि ना तो कोई गीत ना कोई कविता ना कोई गजल गाते हैं, ना कोई गजल ना कोई कविता ना कोई गीत गाते हैं, अरे हम तो बस अपना हाल दिल सुनाते हैं और बात तुम्हारे दिल तक इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि ये दिल से दिल की बातें हैं। तो हम इस तरह से दिल से दिल की बातें करते रहेंगे, आपके दिल तक पहुंचते रहेंगे। और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनके भागीरथ प्रयासों से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जयपुर काव्य साधक जकासा जैसा ग्रुप जो है जिनके भागीरथी प्रयासों का सफल रूप है और जो किशोरी छंद के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर जाने जाते हैं, एक बहुत ही सरल सहज स्वाभाविक और कवि हृदय मन के व्यक्तित्व जो हम सबको साथ लेके चलते हैं, जिनके कारण हम सब यहाँ पर हैं और जिनके कारण आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई किशोर पारिक किशोर साहब का। मोबाइल जी जी श्री राधे चंद। अभी हम पूरा देश जो है हमारा अमृत महोत्सव मना रहा है, देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए जी, लेकिन देश की परिस्थितियां अभी तक कहीं नहीं बदली मुझे लग रहा है, तो मैं बस उसी में से कुछ पंक्तियां मैंने निकाली। स्वागत दादा। अभी तक भी विपरीत परिस्थितियां हैं जी। यारों मेरा मन उदास है, कैसे मैं खेलूं होली, रिश्तों में अब ना मिठास है, कैसे मैं खेलूं होली। गहरी बात। फागुन अब बेगाना दिखे, रंगों में ना जोश है, हर मंजर में सिसकी चीखें, सच्चाई खामोश है, वैसे अब भी होली होती नंदगाम बरसाने में, शहरों में दुश्मन तत्पर है गोली बम बरसाने में, वाह, तो चंद सिक्कों में ढूंढ रहे हम होली वाली मस्ती को, जाने किसकी नजर लगी है नगर ग्राम हर बस्ती को, रंग बनाए हमने यारो भेदभाव का जरिया है, हरा रंग इस्लाम मानता हिंदू रंग के जरिया है, हरा रंग इस्लाम मानता हिंदू रंग के जरिया है, दुल्हन लुट गई उन हाथों से जिसने पकड़ी थी डोली, यारों मेरा मन उदास है, कैसे मैं खेलूं होली। वाह वाह वाह। सीधी सीधी पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि खुले आम भारत को खंडित ये ओवेसी करते हैं, आतंकी हमलों में हरदम निरपराध क्यों मरते हैं, दिन दहाड़े लूट रहे हैं मजलूमों की बोटी को, गांधी जैसी आज गरीबी सिसक रही एक रोटी को, इस युग के प्रहलाद जल रहे आरक्षण की होली में, लूट अराजकता व्यापी है बेकारों की टोली में, बैठे हम बारूद ढेर पर लिए हाथ में चिंगारी, हम में ही है चंद दोगले करे देश से गद्दारी, हम में ही है चंद दोगले करे देश से गद्दारी, तीर तमंचों और मिसाइल की दुकान घर घर खोली, यारों मेरा मन उदास है, कैसे मैं खेलूं होली। और देखिए कि हर दम तीर हरण होता है भरी सभा के बीच में, तने पड़े हैं नेता सारे राजनीति की बीच में, कोई खलियानों में मरता कुटिया में मातम छाया, कोई गोदामों को भरता जोड़ रहा अनगिन क्या बात है, वाह, तो बगिया को माली लूट रहे भंवरे तितली को रोंद रहे, फूलों को शूल बींदते हैं हम निगल जहर के घूट रहे, धनवानों की चाहत बोटी कुत्ते डनलप पर सोते, निर्धन को मिलती ना रोटी भूखे बच्चे बस रोते, नेताओं को जहर सुरक्षा जनता पर चलती गोली, यारों मेरा मन उदास है, कैसे मैं खेलूं होली। मन पड़ जी जी स्वागत दादा। कि सच्ची होली तब होगी जब फारूक मियां गुलाल मले, अरे वाह क्या बात है, सच्ची होली जब होगी तब फारूक मियां गुलाल मले, स्मित के हाथों से मुझ पर पिचकारी की धार चले, ऊंच नीच और भेदभाव का अंतर नजर नहीं आए, विश्व गुरु के सिंहासन पर भारत फिर से मुस्काए, क्या बात है, तो सत्यमेव जयते का भैया गूंज उठे फिर से नारा, विश्व अमृत हो जाए माँ गंगा जी की ये धारा, विश्व अमृत हो जाए माँ गंगा जी की ये धारा, हर आंगन मुस्काएगा,
यह किशोर फिर होली की मस्ती के गीत सुनाए। वाह वाह वाह, यह किशोर शानदार रंग बिरंगी काव्य गोष्ठी का संचालन डॉक्टर संतोष चारण खूबसूरती से कर रहे हैं। मैं बिना किसी भूमिका के डॉक्टर साहब आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। बिल्कुल, संक्षिप्त के अंदर मैं अपनी रचनाएं सुनाता हूँ बिना किसी भूमिका के, सुनिए। और जहाँ किशोर जी ने अपनी बात खत्म की है भाई साहब ने, वहीं से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। के रंग हिंदू का मुसलमान से जो मिल जाएगा, रंग हिंदू का मुसलमान से जो मिल जाएगा, हर तरफ रंग तिरंगे का नजर आएगा, एक ही रंग के हो फूल तो जीनत क्या है, एक ही रंग के हो फूल तो जीनत क्या है, एक ही ढंग हो जीने का तो कीमत क्या है, अपनी रौनक पे गुलसिता ये मुस्कुराएगा, रंग हिंदू का मुसलमान से जो मिल जाएगा, हर तरफ रंग तिरंगे का नजर आएगा। और सुनिए कि होली के अवसर पर मैं एक पैरोडी सुनाता हूँ। यहाँ पर पैरोडी के जन्मदाता वरुण जी बैठे हैं, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करके, कोरोना चूंकि सभी तरफ फैला हुआ है और आपको पता है कि वैक्सीनेशन भी आ चुका है और हम, मुझे पूरा विश्वास है कि इस युद्ध में कोरोना के प्रति जो जंग है उसके अंदर हम जीतेंगे, तो एक सीधा सीधा जो है आपको पैरोडी से जोड़ता हूँ, सुनिए। मैं थोड़े दिन का कोरोना हूँ, थोड़े दिन मेरी कहानी है, थोड़े दिन मेरी हस्ती है, थोड़े दिन मेरी जवानी है, मैं थोड़े दिन का कोरोना हूँ। बंद सुनिएगा। कल और आएंगे वायरस के नए रोग तुम्हें देने वाले, कल और आएंगे वायरस के कई रोग नए देने वाले, मुझसे बेहतर देने वाले, तुमसे बेहतर लेने वाले, तुम अपनी घर में कैद रहो, मैं अपनी मौत को पाता हूँ, तुम हंसते हंसते आते हो, मैं रोते रोते जाता हूँ, मैं थोड़े दिन का कोरोना हूँ, थोड़े दिन मेरी कहानी है, थोड़े दिन मेरी हस्ती है, थोड़े दिन मेरी जवानी है, मुझसे पहले कितने वायरस आए और आकर चले गए, कुछ स्वाइन फ्लू देकर चले गए, कुछ बर्ड फ्लू देकर चले गए, वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ, मैं थोड़े दिन का कोरोना हूँ, थोड़े दिन मेरी कहानी है, थोड़े दिन मेरी हस्ती है, थोड़े दिन मेरी जवानी है, मैं थोड़े दिन का कोरोना हूं। और दोस्तों, अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं उनकी भूमिका में सिर्फ इतना सा कहूंगा, हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, और शायद आ जाए कोई हमसे भी ज्यादा प्यासा, बस यही सोचकर हमने थोड़ी सी बचा रखी है, वो जो थोड़ी सी बचा रखी है वो जब मंच पर आएंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, विशेष हो जाएंगे। पूरी तालियों से स्वागत कीजिए भाई वरुण चतुर्वेदी साहब का, स्वागत। मैं वरुण चतुर्वेदी सब दर्शकों को श्रोताओं को होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूं। एक घनाक्षरी देखें जी दादा, होली का केस तक लगे हैं उस रोज से ही, चहूं और देखो होली का धमाल हो गया, वाह। होली का केस तक लगे हैं उस रोज से ही, वाह। चहूं और देखो होली का धमाल हो गया,
बूढ़े बूढ़े लोग मान बैठे खुद को जवान, बूढ़ियों का जीना सुख से मुहाल हो गया। बूढ़े बूढ़े लोग मान बैठे खुद को जवान, बूढ़ियों का जीना सुख से मुहाल हो गया। हमने भी एक गोरी को लगाया जो गुलाल, देखते ही देखते में ये कमाल हो गया। अच्छा। था गुलाल पीला जो माला था हमने, परंतु गोरिया के गाल से गुलाल लाल हो गया। हाँ, गोरिया के गाल से पीला जो माला क्या था बात हमने, परंतु गोरिया के गाल से गुलाल लाल हो गया। वाह। और एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ, अगर किसी को होली खेलने के बुलाओ तो फिर ढंग से बुलाना। वाह। अगर निमंत्रण दो होली का अच्छा। अब की बार खुला देना। आहा, खुला। अगर निमंत्रण दो होली का अब की बार खुला देना। वाह। वरना सभी भावनाओं को थपकी मार सुला देना। वाह। पाल रखे हो अगर पुराने मन में कहीं गिले शिकवे, वाह वाह वाह, तो फिर इस होली पर उनको दिल से यार भुला। आहा, क्या बात है। और एक मुक्तक निवेदन करता हूँ, खेल खेलो ऐसी होली अब के सिर्फ धमार नजर आए, रंग गुलाल पुते बिन सूना ना कोई गाल नजर आए। होली की मस्ती का ये दिन यादगार बन जाने दो, ऐसा उड़े गुलाल के सारा अंबर लाल नजर आए। वाह 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 वाह। ऐसा उड़े गुलाल के सारा अंबर लाल नजर आए। वाह वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो इस आशा और विश्वास के साथ कि जो वरुण जी ने पढ़ा है उसके ऊपर आप चिंतन मनन करेंगे, दो पंक्तियों से इस कार्यक्रम को मैं विराम देता हूं। के होली का के इस उत्सव पर जागे भाग गुलाल के, होली का के इस उत्सव पर जागे भाग गुलाल के, जिसने चुंबन ले डाले हैं हर गोरी के गाल के, होली का के इस उत्सव। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्रेम और सहयोग और इतने आनंद के साथ हमको सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आप सबको हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।